बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व। इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और समझना है। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली कैलकुलेट करेंगे एरिया बाउंडेड बाय डिफरेंट कर्व्स। बहुत सारे कर्व होंगे, कभी हम निकालेंगे एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, कभी हम निकालेंगे दो दो कर्वों के बीच का एरिया। अब सुनो ध्यान से, एरिया निकालने के लिए आपको याद होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है, एलजेब्रिक एरिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है, एलजेब्रिक एरिया। इस बात को बिल्कुल ध्यान सुनो। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व है कुछ इस प्रकार का, और ये है x इक्वल टू ए और ये है x इक्वल टू बी। अगर ये हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और इस एरिया को अगर मैं a1 कह दूं, इस एरिया को अगर मैं a2 कह दूं, और इस एरिया को अगर मैं a3 कह दूं, तो इंटीग्रेशन ए टू बी अगर हम एफ एक्स डी एक्स की बात करेंगे तो ये कुछ नहीं a1 माइनस a2 प्लस a3 निकल के आए। यानी जो एरिया x एक्सिस के ऊपर है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आता है, और जो एरिया x एक्सिस के नीचे है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आता है। ध्यान देना, डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स यू एलजेब्रिक एरिया, यानी एरिया विद साइन। लेकिन ये चैप्टर इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक एरिया। यह पूरा चैप्टर ज्योमेट्रिक एरिया के कैलकुलेशन के लिए। ज्योमेट्रिक एरिया का मतलब है नो एरिया एवर गेट्स सब्स्ट्रैक्टेड, ऑल ऑलवेज गेट एडेड। ध्यान रखना, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक एरिया। हम कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन को ही, लेकिन विद केयर, ताकि कोई भी एरिया कभी भी सब्ट्रैक्ट ना हो। सो वी विल यूज डेफिनेट इंटीग्रेशन विद केयर। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एरिया अंडर द कर्व के चैप्टर के अंदर हमें ज्योमेट्रिकल एरिया कैलकुलेट करना है। ज्योमेट्रिकल एरिया का मतलब है कभी भी कोई भी एरिया सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सारे एरिया हमेशा जुड़ेंगे। ये जुड़ेंगे का क्या मतलब होता है, सुनो। जैसे मैं आपसे पूछूं कितना एरिया कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में है ए से बी तक, कितना एरिया कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में है ए से बी तक, तो रियल में आंसर आना चाहिए a1 प्लस a2 प्लस a3। ये एरिया भी कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में, ये एरिया भी कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में, ये एरिया भी कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में। तो हाउ मच टोटल एरिया इज बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो जवाब होगा a1 प्लस a2 प्लस a3, ज्योमेट्रिक एरिया। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन कर दें a से b f x dx, तो आपको रियल में प्राप्त होगा a1 माइनस a2 प्लस a3। पहला अंतर यही समझो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन देता है एलजेब्रिक एरिया। एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव। लेकिन हमें इस चैप्टर में कैलकुलेट करना है ज्योमेट्रिक एरिया। एरिया की कैलकुलेशन के लिए हम यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेकिन विद केयर। केयर किस बात की, कि गलती से कोई एरिया घटना नहीं चाहिए, सारे एरिया हमेशा जुड़ने ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के वो फॉर्मूले जिनकी मदद से हम कैलकुलेट करेंगे एरिया। अच्छा, उसके पहले देखो, सपोज करिए, बिल्कुल ध्यान देखो, ये हमारे पास कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास एक कर्व है। यहां पर हम एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं जिसकी विड्थ है dx। विड्थ कितनी है dx, तो इस छोटी सी स्ट्रिप का अगर हम एरिया निकालना चाहें, और यहां से x दूरी पर है, तो ये टोटल जो हाइट निकल के आएगी ये कितनी निकल के आएगी, fx। तो इस एरिया को अगर अपन रेक्टेंगल की तरह सोचें, तो छोटी सी स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा बेस
इनटू हाइट, ये हाइट हो गई या बेस हो गई, इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो ये हमको टोटल एरिया दे देगा ये वाला। इसी कंसेप्ट को हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज दिस चैप्टर। एफ ऑफ एक्स क्या दे देगा, हाइट। डीएक्स क्या दे देगा, ब्रेथ। तो बेस इंटू हाइट, इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया, इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया, और ऐसी बहुत सारी छोटी 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 स्ट्रिप्स को जोड़ दें तो पूरा का पूरा कंबाइंड एरिया मिल जाएगा। कॉपी करो। इस चैप्टर में हमको कैलकुलेट करना है क्या, ज्योमेट्रिकल एरिया। तो हम कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज करेंगे टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिकल एरिया, सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया। बिल्कुल ध्यान सुनो, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया सुनो। मान लो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक, और ये हमारा फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का पूरा एरिया निकल के आ जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर गलती से कर्व ने एक्स एक्सिस को काट दिया, बिल्कुल ध्यान से ये लीजिए, ये है एक्स इक्वल टू ए और ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू बी। तो रियल में आप चाहते हैं कोई एरिया घटे नहीं, तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, ये पूरा एरिया निकल के आएगा ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स। जब आप एफ एक्स का मॉड ले लेंगे तो पॉजिटिव एरिया तो ऊपर रहेगा ही, नेगेटिव एरिया भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये मॉड खुद से इंटीग्रेट नहीं होगा, मॉड को हमें ही डिफाइन करना पड़ेगा। मान लो ये इंटरसेक्शन पॉइंट सी वन है, मान लो ये इंटरसेक्शन पॉइंट सी टू है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे कि ए से सी वन तक तो एफ एक्स डी एक्स प्लस, सी वन से सी टू तक माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस, सी टू से बी तक फिर एफ एक्स डी एक्स। ए से सी वन तक एफ एक्स डी एक्स ऊपर है और सी वन से सी टू तक हमने माइनस एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि हमने माइनस एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा एरिया हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो कोई भी एरिया घटेगा नहीं, सारे एरिया हमेशा जुड़ेंगे। अच्छा, यहीं पर मान लीजिए दो कर्व के बीच में एरिया आ जाए, मान लो एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स और मान लीजिए दूसरा कर्व है y इक्वल टू जी एक्स, और हमें एरिया चाहिए x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक। तो दो कर्वों के बीच का एरिया होता है इंटीग्रेशन ए से बी, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला डी एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखनी है कि जब आप दो कर्वों के बीच का एरिया निकालते हैं तो क्वाड्रेंट के इंडिपेंडेंट होता है। क्या मतलब है क्वाड्रेंट के इंडिपेंडेंट होता है, मैं बताता हूं। दो कर्वों के बीच का एरिया, जब आप ऊपर वाला एक कर्व माइनस नीचे वाला कर्व करते हैं तो ये एरिया क्वाड्रेंट के इंडिपेंडेंट होगा। मतलब इस समय मैंने दोनों कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर बनाए, अगर मान लीजिए दोनों कर्व एक्स एक्सिस के नीचे भी आ गए, ये आ गया वाई इक्वल टू एफ एक्स और ये आ गया वाई इक्वल टू जी एक्स, एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, तो भी फॉर्मूला यही रहेगा। गलती से एक कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया और एक कर्व एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, और फिर हम निकाल रहे हैं एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, तो भी फॉर्मूला यही रहेगा। गलती से चारों क्वाड्रेंट में बिखर गया कर्व, ये लीजिए यहां पर है एक्स इक्वल टू ए, यहां पर है x इक्वल टू बी, ये है y इक्वल टू एफ एक्स, ये है y इक्वल टू जी एक्स, तो भी कर्वों के बीच का एरिया यही रहेगा। यहां पर जब आप कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालते हैं तो कर्व x एक्सिस के ऊपर है कि कर्व x एक्सिस के नीचे फर्क पड़ता है, लेकिन जब आप दो कर्वों के बीच का एरिया निकालते हैं तो केवल इस बात का फर्क पड़ता है कौन सा कर्व ऊपर कौन सा कर्व नीचे, बस कौन ऊपर कौन नीचे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नीचे है एक्स एक्सिस के, कि एक ऊपर एक नीचे है, कि चारों क्वाड्रेंट में बिखरे हैं। इस बात को इंपॉर्टेंट नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। दो कर्व्स के बीच का एरिया एक्स एक्सिस के रिलेटिव लोकेशन के इंडिपेंडेंट होता है।
दो कर्वों के बीच का एरिया एक्स एक्सिस के रिलेटिव लोकेशन के इंडिपेंडेंट होगा। दोनों कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर हो, दोनों कर्व एक्स एक्सिस के नीचे हो, एक कर्व ऊपर हो एक नीचे हो, ऐसे चारों क्वाड्रेंट में बिखरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बार एरिया निकल के आएगा ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। और गलती से अगर ये दोनों कर्व भी एक दूसरे को काट दे, सपोज एक कर्व ऐसा है y इक्वल टू एफ एक्स और एक कर्व ऐसा है y इक्वल टू जी एक्स, और हमें एरिया निकालना है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, तो आप बड़े आराम से इस पूरे एरिया को दिस प्लस दिस इस पूरे एरिया को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब मॉड खुद से नहीं इंटीग्रेट होगा, उसको इंटीग्रेट भी हमें ही करना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट सी निकाल सी वन निकालेंगे, तो ए से सी वन तक कौन ऊपर है, जी एक्स ऊपर है, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला डी एक्स प्लस सी टू से बी तक कौन ऊपर है, एफ एक्स ऊपर है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। इस बात पे ध्यान देना, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला ही हमेशा करेंगे, ए से सी वन तक जी एक्स माइनस एफ एक्स और सी टू से बी तक एफ एक्स माइनस जी एक्स, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ध्यान दो, फिर दोहरा रहा हूं, दो कर्वों के बीच का एरिया आप सीधे निकालिए ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ध्यान तब रखना पड़ेगा जब कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है, तो कब कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है और कब कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है। चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, हर एक में हम कैलकुलेट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक एरिया विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि देता है एलजेब्रिक एरिया। कॉपी करो। अभी अभी हमने देखा कैलकुलेशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, कभी कभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी, एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सुनो कैसे, अगर मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन है, अपन आम तौर पर अपने को क्या दे रखा होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा होता है, यानी y x का फंक्शन है। अगर गलती से x इक्वल टू एफ वाई दे दिया, तो देखो कर्व और y एक्सिस का बीच का एरिया y इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी तक, कर्व और y एक्सिस का बीच का एरिया y इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी के बीच, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा ए टू बी एफ वाई डी वाई, ये एरिया कर्व और y एक्सिस के बीच का एरिया। अगर आपने फंक्शन को y के टर्म में लिख दिया, तो फंक्शन भी y के टर्म में, इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में, और लिमिट्स भी किसकी, y की। अगर गलती से इस कर्व ने y एक्सिस को कट कर दिया, सपोज करो कुछ ऐसा निकल के आ गया, अब मैं एरिया निकालना चाहता हूं y इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी तक, और ये मुझे फंक्शन दे रखा है x इक्वल टू एफ ऑफ y, तो मुझे पूरा पूरा एरिया चाहिए, तो रियल में पूरा एरिया निकल के आएगा इंटीग्रेशन a टू b तक मॉड एफ वाई डी वाई। क्या क्लियर है, इंटीग्रेशन ए टू बी तक मॉड। अब मॉड को कोई और तो खोलेगा नहीं, हमें ये सेपरेट करना पड़ेगा। मान लो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सी वन है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सी टू है, तो यह आ जाएगा ए से सी वन एफ वाई डी वाई प्लस सी वन से सी टू माइनस एफ वाई डी वाई प्लस सी टू से बी एफ वाई डी वाई। ए से सी वन तक एफ वाई डी वाई, फिर C1 से C2 तक माइनस एफ वाई डी वाई, फिर C2 से B तक एफ वाई डी वाई। ये एरिया नेगेटिव x एक्सिस की ओर जा रहा था, ये एरिया नेगेटिव आ रहा था, क्या लग गया, माइनस साइन। यहीं पर हम बात करेंगे दो कर्वों के बीच का एरिया। मान लीजिए हमारे पास एक कर्व है x इक्वल टू एफ ऑफ वाई और दूसरा कर्व है x इक्वल टू जी ऑफ वाई, और मैं इन कर्वों के बीच का एरिया निकालना चाहता हूं y इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी तक, ये एरिया में पूरा फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो सिंपल सिंपल, जैसे पिछली बार अपन ने क्या किया था, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तब की बार हम करेंगे राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, ए से बी तक राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला डी वाई।
वापस यहां पर भी मैं इस बात को इंसिस्ट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि दो कर्वों के बीच का एरिया उनकी लोकेशन के इंडिपेंडेंट होता है। लोकेशन के इंडिपेंडेंट का मतलब दोनों के दोनों कर्व वाई एक्सिस के इधर आ जाएं तो भी एरिया यही रहेगा, दोनों के दोनों कर्व एक कर्व वाई एक्सिस के इधर रहे एक कर्व वाई एक्सिस के इधर रहे तो भी एरिया यही रहेगा, या दोनों के दोनों कर्व चारों क्वाड्रेंट में बिखर जाए तो भी एरिया यही रहेगा। जब भी हम दो कर्वों के बीच का एरिया निकालते हैं, जब भी हम दो कर्वों के बीच का एरिया निकालते हैं दैट एरिया इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ द कर्व। और अगर गलती से ये कर्व्स भी आपस में इंटरसेक्ट कर लिए, मान लो ऐसा कुछ आ गया, ये आ गया एक्स इक्वल टू जी वाई, यहां पर आ गया एक्स इक्वल टू एफ वाई, और हम एरिया निकालना चाहते हैं y इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी तक, दिस एरिया दिस एरिया, तो रियल में एक लाइन में लिखेंगे a टू b मॉड ऑफ एफ वाई माइनस जी वाई। लेकिन मॉड को भी हमें ही डिफाइन करना पड़ेगा, इस पॉइंट को हम c1 कह देते हैं। तो देखिए a से c1 तक राइट माइनस लेफ्ट, तो जी वाई माइनस एफ वाई डी वाई प्लस C1 से B तक राइट माइनस लेफ्ट एफ वाई माइनस जी वाई डी वाई, ये निकल के आएगा। यहां फिर मैं दोहराऊंगा, चार फॉर्मूले हमने निकाले, जैसे कि हमने x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाले थे वैसे ही चार फॉर्मूले हमने यहां पर भी निकाले, जैसे चार फॉर्मूले हमने x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाले थे वैसे ही चार फॉर्मूले हमने यहां पर भी निकाले। लेकिन ध्यान रखना, चाहे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो चाहे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, अगर दो कर्वों के बीच का एरिया निकाल रहे हो तो उनकी लोकेशन का कोई मीनिंग नहीं है। कहीं पर भी हो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, कॉपी कर लीजिए। अब हम इस पर भी देखो, बेसिकली अगर हम थ्योरी की बात करें ना तो एरिया अंडर द कर्व में थ्योरी के नाम पर केवल इतनी थ्योरी है, या तो एरिया आप निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या एरिया निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब हम इन दोनों पर बेस लेंगे सवाल, बिल्कुल ध्यान देखो, आओ बहुत सारे क्वेश्चन है एक एक करके लेते हैं, सुनिए। मान लो कोई बोले फाइंड द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज बाउंडेड बाई बाउंडेड एबव बाई वाई इक्वल टू रूट एक्स एंड बिलो बाई एक्स एक्सिस एंड लाइन वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। आइए बात करें, क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो एरिया निकालिए जिसके ऊपर की बाउंड्री y इक्वल टू रूट एक्स हो जाए और नीचे की बाउंड्री x एक्सिस और ये हो जाए, x एक्सिस का मतलब y इक्वल टू जीरो। अच्छा, y इक्वल टू रूट एक्स को अगर अपन ड्रॉ करें तो ये बन जाएगा y इक्वल टू रूट एक्स, कोई खास बात नहीं है, पूरा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहेगा। अच्छा, y इक्वल टू x माइनस थ्री को अगर हम प्लॉट करें तो y इक्वल टू x माइनस थ्री, देखिए x जीरो पर y माइनस थ्री हो जाएगा और y जीरो पर x कितना हो जाएगा थ्री, तो ये एरिया ऐसे निकल के आ जाएगा, ये आ गया। हम y इक्वल टू, ये लाइन आ गई y इक्वल टू x माइनस थ्री, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे इंटरसेक्शन पॉइंट, रूट एक्स को बराबर कर देंगे x माइनस थ्री से, रूट एक्स को x माइनस थ्री से बराबर कर दीजिए तो x आ गया x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स, सबको एक साइड ले जाए एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, क्या ये क्लियर सब बच्चों को। आइए इसके रूट्स निकाल लें, हम लोग क्या क्या निकल के आते हैं, एक्स इक्वल टू से माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, नाइन फोर द थर्टी सिक्स होल अपॉन टू ए, तो यहां से निकल के आएगा सेवन प्लस माइनस 49 में से 36 अगर घटा देंगे तो चार ही आ जाएगा रूट थर्टी, राइट।
तो हमारे पास दो दो रूट्स निकल के आ गए, 7 प्लस रूट 13 बाई 2 एंड 7 माइनस रूट 13 बाई 2। अब देखो रूट 13 कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो 7 में से अगर 3 पॉइंट समथिंग घटाओगे तो 3 पॉइंट समथिंग ही बचेगा, और 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 3 से छोटा हो जाएगा, तो ये वाला सॉल्यूशन हम कर देंगे रिजेक्ट। तो इनका ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आएगा, ये निकल के आएगा x इक्वल टू 7 प्लस रूट 13 बाई 2। अब आइए एरिया लिखें, ये है एरिया बाउंडेड जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जिसके ऊपर की बाउंड्री y इक्वल टू रूट x है और नीचे की बाउंड्री x एक्सिस और ये लाइन है। आइए एरिया को ढंग से लिख दें, 0 से 3 तक कि अगर हम बात करें तो कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया, तो ये बन जाएगा रूट x dx प्लस 3 से लेकर यहां तक की बात करें 7 प्लस रूट 13 बाई 2, तो ये बन जाएगा ऊपर वाला। आपकी बार देखो यहां से यहां तक की बात करोगे तो इन दो कर्वों के बीच का एरिया, और दो कर्वों के बीच का एरिया होता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो रूट एक्स माइनस 3 डीएक्स। इंटीग्रेट कर लेंगे, एरिया मिल जाएगा। इस चैप्टर में इंटीग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कर्व को ड्रॉ करके प्रॉपर एरिया आइडेंटिफाई करके प्रॉपर एरिया लिखना। एक और क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, इस चैप्टर के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो है प्रॉपर एरिया का आइडेंटिफिकेशन। आओ एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन कहता है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, हमको एरिया निकालना है y इक्वल टू x बाई 4, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स एंड y इक्वल टू 2 बाय रूट एक्स। जब भी कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस 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 दिस, तो आपको ऐसा एरिया ढूंढना है जो चारों मिलके बाउंड करते हो, ऐसा एरिया ढूंढना है जो चारों मिलके बाउंड करते हो। आओ प्लॉट करें, आराम से प्लॉट करेंगे और बात बन जाएगी। x इक्वल टू 0 तो खुद y एक्सिस हो गई, y इक्वल टू x बाई 4 ये लाइन हो गई, y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, देखो x 0 पर y की वैल्यू 1 आ गई, ये ऐसा एक पैराबोला हो गया जो कहां से शुरू होगा 0,1 से, और ये हाइपरबोला है y इक्वल टू 2 बाय रूट एक्स, x बढ़ेगा तो y घटेगा, तो हाइपरबोलिक कर्व y इक्वल टू 2 बाय रूट एक्स। सबसे पहले आपको ऐसा रीजन आइडेंटिफाई करना है जो चार के चारों मिलके बाउंड करते हो, तो ये है वो रीजन जो चार के चारों मिलके क्या करते हैं बाउंड। अब कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ये वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो गया, इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमको चाहिए होगा, ये किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स और y इक्वल टू 2 बाय रूट एक्स, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। देखो x इक्वल टू 1 दोनों को सेटिस्फाई करता है, x को 1 रखने पर y 2 आ जाएगा और x को 1 रखने पर y 2 आ जाएगा, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट भी चाहिए होगा, ये किन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका और इसका। देखो x इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रहे, कैसे, x को 4 रख दो तो ये y 1 आ गया, x को 4 रखने पर यहां पर भी y 1 आ गया। आओ बात करें, तो एरिया निकल के आ जाएगा 0 से 1 तक ऊपर वाला माइनस नीचे वाला x बाय 4 प्लस, देखो 0 से 1 तक जाओगे तो ये ऊपर है और ये लाइन नीचे है, प्लस 1 से अगर आप 4 तक जाएंगे तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला x बाय 4 dx। मेन पार्ट पर ध्यान दें, इंटीग्रेशन करना तो हमें ऑलरेडी आता है, वो इस चैप्टर का मेन पार्ट नहीं है, मेन पार्ट है कर्व स्केच करके प्रॉपर एरिया प्रॉपर रीजन को आइडेंटिफाई करके उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें, ये इस चैप्टर का मेन पार्ट है। कॉपी करो और क्वेश्चन ले, क्वेश्चन बोलता है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 2 माइनस मोड 2 माइनस x एंड y इक्वल टू 3 बाय मोड x।
ये दोनों मिलके जो एरिया बाउंड करते हैं, ये दोनों मिलके जो एरिया बाउंड करते हैं वो एरिया निकालना। चलो बात करते हैं, पहले इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। y इक्वल टू 2 माइनस मॉड 2 माइनस x है। अगर तुम्हारा x 2 से बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव बन के खुलेगा। कैसे खुलेगा? 2 माइनस x माइनस 2 बन के खुलेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 माइनस x। यही पर अगर x 2 से छोटा हो गया तो पॉजिटिव बन के खुलेगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी? x। तो अगर मैं इस ग्राफ को बनाना चाहूं तो 2 के अबाउट ये ग्राफ बनेगा, 2 से छोटी वैल्यू। अच्छा, 2 पर इसकी वैल्यू भी 2 है, 2 पर देखो इसकी वैल्यू भी 2 है, तो ग्राफ दोनों का दोनों पास करेगा 2, 2 से। 2 से छोटे पर ये लाइन आएगी y इक्वल टू x, और 2 से बड़े पर लाइन आएगी y इक्वल टू 4 माइनस x। ये आ गया y इक्वल टू 4 माइनस x, ये पॉइंट आ गया 4 और ये पॉइंट आ गया 0। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट इसको प्लॉट करते हैं। ये तो बेटे एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, y इक्वल टू 3 बाई मॉड x। अगर x पॉजिटिव रहेगा तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, और x नेगेटिव ले लोगे तो ये ग्राफ यहां पर ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, इन दोनों द्वारा बाउंडेड एरिया। तो ये आ गया दोनों द्वारा बाउंडेड एरिया। अब सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले तो ये जो कर्व बना है ये 3 बाई एक्स का बना है, और इधर जो कर्व बना है वो माइनस 3 बाई एक्स का बना है। तो 3 बाई एक्स, और इसको अगर अपन सॉल्व करें y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू 3 बाई एक्स, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 3 आ जाएगी। यहां पर आइए इसको सॉल्व करें, 4 माइनस एक्स और ये, तो इसके x कोऑर्डिनेट निकल के 3 आ जाएगा। देखिए आराम से 3 बाई 3 1, 4 माइनस 3 1। एरिया को लिखना आइडेंटिफाई करना मेन काम है। अगर अपन एरिया लिखना चाहें तो देखो रूट 3 से 2 तक ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, कौन है ऊपर? x, कौन है नीचे? 3 बाई एक्स, यहां पर बोला नीचे है, प्लस 2 से अगर हम लोग 3 तक जाएं तो 2 से 3 तक कौन है ऊपर? 4 माइनस एक्स, माइनस कौन है नीचे? 3 बाई एक्स। इन सभी क्वेश्चनों में कर्व ढंग से बनाना है, एरिया आइडेंटिफाई करना है, और बात बन जाएगी। एक और क्वेश्चन देखो, आमतौर पर इसमें इसी प्रकार के सवाल आते हैं, बस ध्यान देना है थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन कहता है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों द्वारा एरिया बाउंडेड हमको निकालना है। चलो प्लॉट करते हैं। अगर इस चीज को देखो ना, अगर दोनों और स्क्वायरिंग कर दो तो ये बन जाएगा ऐसे हमारे पास। तो ये बेसिकली देखो आ रहे, तो सर्किल आ गया। तो y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेसिकली अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो सर्किल के ऊपर का पोर्शन है। देखो ये तो पूरा सर्किल होगा और एक केवल सर्किल के ऊपर का पोर्शन, यानी ये वाला पॉइंट आएगा 1, 0, ये वाला पॉइंट आएगा -1, 0, ये वाला पॉइंट आएगा 0, 1, ये x और ये y। क्या क्लियर है? इसको प्लॉट करो, ये तो बहुत इजी है, तो फैक्टराइज हो रहा है। यहां से x कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। क्यूबिक का ग्राफ एनालिसिस हमने ऑलरेडी किया हुआ है, एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इसीलिए कर्व स्केचिंग हमने पहले पढ़ी, ताकि कहीं भी कर्व बनाना हो तो हम बात को समझ पाए। चलिए ये 3 पॉइंट से पास करेगा, x इक्वल टू माइनस 1 से पास करेगा, x इक्वल टू 0 से पास करेगा, x इक्वल टू 1 से पास करेगा। इस क्यूबिक कर्व को बनाएंगे ये ऐसा निकल के आएगा। इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, तो दिस इज द एरिया दैट वी वॉन्ट। इस बार थोड़ी कहानी आसान सी बन गई, पूरे टाइम ये सर्किल ऊपर है, पूरे टाइम ये क्यूबिक नीचे है, तो एरिया एक बार में हम लिख सकते हैं कि माइनस 1 से 1 तक ऊपर वाला माइनस नीचे वाला dx। कॉपी कर लो। और क्वेश्चन देखिए, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय
y is equal to ln x plus e and x equal to ln 1 by y and x axis. आइए बात करें, तीन तीन कर्व दे रखे हैं, आइए एक एक कर्व को समझें, प्लॉट करें और बाउंडेड एरिया निकालें. y is equal to n x plus e, ये शिफ्टेड कर्व है. सोचो अगर केवल y इक्वल टू एल एन एक्स होता तो इसकी एसिम्प्टोट कहां आती, जहां x जीरो जाता. लेकिन इसकी एसिम्प्टोट कहां पर आएगी, जहां ये अंदर वाली क्वांटिटी जीरो जाएगी. तो इसकी एसिम्प्टोट आएगी x इक्वल टू माइनस ई पर. एक और बात, एल एन वन जीरो होता है तो जब x प्लस ई वन होगा तो ये चीज जीरो हो जाएगी. तो x प्लस ई वन कब होगा, जब x हो जाएगा 1 माइनस ई. ये इसको x एक्सिस को कट करेगा 1 माइनस ई कॉमा जीरो. अच्छा देखो y एक्सिस को कहां कट करेगा, जहां x जीरो होगा. अगर x को जीरो रख दोगे तो ln कितना आ जाएगा 1, ये इसको कट करेगा 0 कॉमा 1. तो ये कर्व ऐसा बनेगा लाइक दिस. आइए x एक्सिस तो खैर बनी हुई है, क्या बनाए दोबारा इसको देखो. x अगर ln 1 by y है तो e की पावर x कितना हो गया 1 by y, यानी y कितना आ गया e की पावर माइनस x. e की पावर माइनस x तो हम जानते ही हैं लाइक दिस. ये हमारा कर्व है y इक्वल टू ln x प्लस e का. ये हमारा कर्व है y इक्वल टू e रेज पावर माइनस x का. क्या क्लियर है, दिस इज द होल एरिया रिक्वायर्ड, कोई दिक्कत. अच्छा देखो आओ एरिया लिखे बड़े आराम से, बहुत आराम से. 1 माइनस ई से 0 तक तो इस कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया है, प्लस 0 से इंफिनिटी तक इस कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया है. देखो ये लाइन इसको एसिम्प्टोट होगी तो ये चीज कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक. इसका मतलब ये नहीं कि एरिया इनफाइनाइट है, अगर एरिया तो फाइनाइट ही आएगा. एरिया को आइडेंटिफाई करना और लिखना मैंने. एक और देखिए, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हम सब बच्चे देखेंगे. फाइंड एरिया बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. इन दोनों द्वारा, पैराबोला द्वारा बाउंडेड एरिया. आइए इनको निकालें, आराम से प्लॉट करना है. अच्छा देखो इसको देखो, y इक्वल टू x इंटू 4 माइनस एक्स. इस पैराबोला के दो रूट निकल के आएंगे 0 और 4, और मुंह खुलेगा नीचे की ओर. इस पैराबोला की बात करो x इंटू x माइनस, तो दो रूट निकल के आएंगे 0 और 1, और मुंह खुलेगा ऊपर की ओर. इनके बीच का ये एरिया है बाउंडेड. जब खुशखबरी है, पूरे टाइम ये ऊपर रहता है और पूरे टाइम ये नीचे रहता है. बस हमको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है. सॉल्व कर लीजिए, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रख दीजिए, सबको उधर ले जाओ तो 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0. तो एक आ गया x इक्वल टू 0, एक आ गया x इक्वल टू 5/2. तो ये वाला पॉइंट निकल के आ गया x इक्वल टू 5/2. तो इन दोनों के बीच का एरिया 0 से 5/2 तक, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला dx. कॉपी कर लीजिए.